अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जाजिब है, मेरा ताल्लुक अमानत.com से है। अमानत.com हमेशा मार्केट की वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करता है जिसमें आज इन्वेस्ट करेंगे आप तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा आने वाले दिनों में होगा। और अगर ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर की जाती है जिसमें इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, तो आज जो मैं बात करूँगा वो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करूँगा कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हुए आपको क्या चीज़ें देखना चाहिए और अमानत.com आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद जो है डिवाइड है वो दो सेक्टर्स में डिवाइड है, जिसमें पहला सेक्टर आता है गुलबर्ग ग्रीन और दूसरा सेक्टर है गुलबर्ग ग्रीन रेजिडेंशिया। गुलबर्ग ग्रीन में अगर आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं तो फार्म हाउसेज के ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया में फार्म हाउसेज नहीं है, गुलबर्ग ग्रीन में फार्म हाउसेज है। ये दोनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर अगर आप जैसे ही इंट्रेंस गुलबर्ग ग्रीन की क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले आपको फार्म हाउसेज और कमर्शियल के ऑप्शन मिलते हैं। फार्म हाउसेज में 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेज मौजूद हैं यहाँ पर, जिसमें डिवेलप और नॉन डिवेलप फार्म हाउसेज आपको मिलते हैं। डिवेलप की बात करें तो तकरीबन 9 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस शुरू होती है और 9 करोड़ से लेके 15 करोड़ के दरमियान में आपको 4 फुट कनाल का फार्म हाउस मिलता है। इसी तरीके से 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेज के ऑप्शन भी मौजूद हैं। डिवेलप और सेक्टर में जाते हैं तो आपको मौके पे चीज़ मिल जाती है, आप उस वक्त कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और नॉन डिवेलप में जाते हैं तो डेफिनेटली अभी ये क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन IB का प्रोजेक्ट है तो ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको जो एरिया डिवेलप हो जाता है आपको उसकी पोजीशन मिल जाती है। तो अगर आप नॉन डिवेलप लेते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा चांसेस हैं रिटर्न के, क्योंकि जैसे वो डिवेलप आपको मिलता है फार्म हाउस, यानी वहाँ पर आपको जो IB आपको हैंड ओवर करती है लैंड, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उस पर मिलता है। इसी तरीके से अगर रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो इसमें 5 मरला से लेके 1 कनाल तक के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल तक के ऑप्शंस देख सकते हैं। रेजिडेंशिया में आपको डिवेलप और नॉन डिवेलप इसी तरीके से आपको प्लॉट्स मिलते हैं। डिवेलप जो है आपको मौके पे मिलते हैं और नॉन डिवेलप जो है आपको जैसी कंस्ट्रक्शन एरिया पे उस एरिया को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो IB उसकी ट्रांसफ़र दे देती है आपको, यानी आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है और डिवेलप एरिया कहलाता है। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन की किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्ट करना तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 24/7 टीम अवेलेबल है, आपसे रब्ता करके आपको रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और आप अगर आप अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।